गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म, या हम उसे बोल सकते हैं मेंटल मैकेनिज्म। अगर एग्जाम में मेंटल मैकेनिज्म के नाम से क्वेश्चन आता है या डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज मत होना, दीज बोथ आर द सेम टॉपिक। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है। दीज मैकेनिज्म्स वर गिवन बाय द सिगमंड फ्रूड। ये मैकेनिज्म किसने दिए थे? सिगमंड फ्रूड ने दिए थे। दीज आर अनहेल्दी रिएक्शंस टू स्ट्रेस। ठीक है, जब हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों डिफेंस का क्या मतलब होता है? बचाओ। ठीक है, हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज कब करते हैं? जब एक इंसान किसी स्ट्रेस में होता है, किसी टेंशन में होता है या किसी एंजाइटी में होता है, तो उन सबसे बचने के लिए, उन सबसे बचने के लिए या उन सबसे रिलीफ पाने के लिए इंडिविजुअल क्या करता है? कुछ एक्सक्यूजेस देता है। ठीक है, उससे बचाव के लिए, ताकि मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाए, मेरी टेंशन खत्म हो जाए, तो उन सब को हम क्या बोलते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, अब एक इंडिविजुअल डिफेंस मैकेनिज्म यूज तो कर लेता है अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए, अपनी टेंशन को दूर करने के लिए, लेकिन क्या होता है? दीज आर अनहेल्दी रिएक्शंस। लेकिन ये अनहेल्दी रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, ये हम अगर बार 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 इंडिविजुअल हर बार एक्सेसिव यूज करने लगता है डिफेंस मैकेनिज्म का, तो क्या हो सकता है? उसे मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अनहेल्दी रिएक्शंस होते हैं। वेयर इंडिविजुअल अप्लाई सच मेंटल मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। और ऐसा करने से क्या होता है? इंडिविजुअल को इमीडिएट रिलीफ तो मिल जाता है। ठीक है, वो जब उसे स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, तो वो क्या करता है? कुछ एक्सक्यूजेस देता है ताकि वो उन सब से उसको क्या मिल सके? रिलीफ मिल सके बाय डिस्टोर्टिंग द रियलिटी। और जो रियलिटी है वो दूर कर सके, मतलब रियलिटी को वो फेस नहीं कर पाता, रियलिटी को फेस नहीं करता, तो वो क्या करता है? अपनी टेंशन को रिलीव करने के लिए, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए कुछ मैकेनिज्म यूज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म। तो अब हम कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे। आई होप ये टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा होगा। सो हम सबसे पहला पढ़ेंगे कंपनसेशन। ठीक है, सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? कंपनसेशन। कंपनसेशन में क्या है? जो हमारी टेंशन और एंजाइटी है ना, इज रिड्यूस्ड बाय ओवरकम द पर्सनल वीकनेस बाय विच द टेंशन अराइजेज। कि जो हमारी पर्सनल वीकनेस की वजह से जो हमें टेंशन और एंजाइटी हो रही है ना, वो कम कर रहे हैं। कंपनसेट मतलब एक कंपनसेट करना, कि अगर हमसे एक चीज नहीं हो रही तो हम दूसरी चीज कर रहे हैं, उस चीज को हम दूसरी चीज करके कंपनसेट कर रहे हैं। ठीक है, तो टेंशन और एंजाइटी इज रिड्यूस्ड बाय ओवरकम द पर्सनल वीकनेस बाय विच टेंशन अराइजेस। ठीक है, अब हम कंपनसेट करके कैसे अपनी एंजाइटी को दूर कर सकते हैं? जैसे ये एग्जांपल दिया गया है, एन इन्फेंट स्टार्ट थंब सकिंग व्हेन द मदर इज नॉट अवेलेबल फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। मान लो कि एक छोटा बच्चा है, वो रो रहा है, उसकी मदर पास में नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? थंब सक कर लेगा जब तक उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिलती। ठीक है, तो थम्सअप करके जो उसकी उसका स्ट्रेस था, या बच्चे के हिसाब से जो उसका स्ट्रेस एंजाइटी था, वो उसने रिलीव कर लिया। या सबसे अच्छा एग्जांपल आप दे सकते हो, अगर मान लो कोई स्टूडेंट है, वो वीक है स्टडी में, पढ़ाई में नहीं वो अच्छा है, लेकिन वो क्रिकेट में अच्छा है, क्रिकेट स्पोर्ट्स में अच्छा है, क्रिकेट अच्छा खेलता है, तो जो उसकी वीकनेस थी, पर्सनल वीकनेस थी, उसको उसने किस चीज में कंपनसेट कर लिया है? क्रिकेटर में। वो एक गुड क्रिकेटर बन गया है। ठीक है, तो कंपनसेशन आ गया समझ। देन सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब स्ट्रोंग इमोशंस आर ट्रांसफर टू द लेस डेंजरस ऑब्जेक्ट और पर्सन। कि जो हमारे स्ट्रोंग इमोशंस हैं, जैसे गुस्सा है, वो हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं? लेस डेंजरस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, मान लो जैसे किसी मान लो ऑफिस में एक आदमी को उसका बॉस डांट देता है, ठीक है, गुस्सा कर देता है, अब वो उसको उस गुस्से को वो आदमी कहाँ ट्रांसफर कर देता है? लेस डेंजरस। उसके लिए, उस आदमी के लिए लेस डेंजरस क्या होगा? घर पे आके, उसके बच्चे, उसकी वाइफ। तो वो जो उसका गुस्सा था कि बॉस ने उसको डांटा था, वो अपना गुस्सा कहाँ ट्रांसफर कर देगा? लेस डेंजरस ऑब्जेक्ट पे। मतलब या तो वो घर आके अपनी वाइफ पे वो गुस्सा उतार देगा, या अपने बच्चों पे। जैसे एग्जाम्पल है, फादर बीट हिज चाइल्ड। फादर अपने बच्चे को पीटता है बिकॉज ऑफ लो ग्रेड मार्क्स, क्योंकि उसको उसके कम नंबर आए हैं। ठीक है, अब वो बच्चा क्या करेगा? फादर ने तो अपने उस बच्चे को पीट दिया, अब वो बच्चा क्या करेगा? एंड सन डिस्प्लेस हिज एंगर।
तो जो जिस सन की पिटाई की थी वो अपना गुस्सा किस पे निकालेगा, अपनी छोटी सिस्टर पे, ठीक है, क्योंकि उसकी छोटी सिस्टर के लिए वो लेस डेंजरस है। तो समझ आ गया कि स्ट्रोंग इमोशंस आर ट्रांसफर टू द लेस डेंजरस ऑब्जेक्ट। अब है थर्ड, डिनाइल। डिनाइल है मना करना, मतलब किसी चीज के लिए डिनाई कर देना, साफ मना कर देना, ठीक है। प्लेन ऑर्डिनरी रिजेक्शन, मतलब रिजेक्शन मतलब रिजेक्ट कर देना फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए, विच अनकॉन्शियसली डिस्टर्ब टू द पर्सन, जो उस पर्सन को स्ट्रेस दे रही है, डिस्टर्ब कर रही है, उस चीज के लिए मना कर देना। जैसे एग्जाम्पल है, अ क्लाइंट डिनाई हिज चेस्ट पेन ऑफ MI। एक क्लाइंट है, एक पेशेंट है जिसको क्या था, चेस्ट पेन हो रहा है, मान लो उसे MI है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, उसकी वजह से उसको चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है कि मुझे चेस्ट पेन नहीं हो रहा, बिकॉज ही नोज, क्योंकि उसे पता है दैट इफ MI डायग्नोज, कि अगर उसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन डायग्नोज हो गया ना, देन देयर आर लोट ऑफ रेस्ट्रिक्शन विच वी हैव टू फॉलो इन लाइफ, कि उसे पता है कि अगर एक बार मुझे डायग्नोज हो गया MI तो मुझे मेरी लाइफ में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लग जाएंगी, तो वो क्या करेगा, मना ही कर देगा कि मुझे कोई चेस्ट पेन नहीं हो रहा, ठीक है। तो डिनाइल मतलब साफ मना कर देना। देन है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब स्ट्रोंग इमोशंस को कन्वर्ट करना फिजिकल सिम्टम्स में, ठीक है, जो हमारे स्ट्रोंग इमोशंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिजिकली सिम्टम्स में, मतलब फिजिकली वो सिम्टम्स अराइज होने लगते हैं तो हमारे इमोशंस, लेकिन वो फिजिकली सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो नेक्स्ट डे एग्जाम है हमारा, ठीक है, तो हमें बहुत टेंशन हो रही है, बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत स्ट्रेस आ रहा है, तो बहुत सारे बच्चों में होता है कि नोजिया फीलिंग हो जाती है, वोमिटिंग हो जाता है, या डायरिया लग जाता है, तो जो हमारे स्ट्रोंग इमोशंस थे ना, जो हमें डर स्ट्रेस हो रहा था, वो किस में कन्वर्ट हो गया है, फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, समझ आई बात। तो ये क्या होता है, कन्वर्जन होता है। फिर है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें है जो रियल फीलिंग्स होती हैं हम उसको सुप्रेस कर देते हैं, सुप्रेस मतलब दबा देते हैं, जो हमारी रियल फीलिंग्स होती हैं उसको क्या करते हैं, हम दबा देते हैं, और जो अनरियल फीलिंग्स होती है हमें उनको एक्सप्रेस करना पड़ता है, ठीक है, समझ आई बात, कि जो अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स है ना, ठीक है, उनको हम सुप्रेस कर देते हैं, और जो एक्सेप्टेबल फीलिंग्स हैं, सॉरी, जो रियल फीलिंग्स हैं उसको हम सुप्रेस कर देते हैं, जो अनरियल फीलिंग्स है उसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे बच्चों इसका एग्जाम्पल है, मान लो एक वुमेन है, उसकी मदर इन लॉ है, उसकी सास है, वो उसको पसंद नहीं करती, ठीक है, रियल फीलिंग तो क्या है, वो उसको पसंद नहीं करती, लेकिन वो उसको बोल नहीं ना सकती कि मैं उसको पसंद नहीं करती, तो वो उस रियल फीलिंग को क्या करती है, दबा देती है, उस रियल फीलिंग को दबा देती है, और वो क्या बोलती है कि नहीं ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, मतलब वो उसको पसंद नहीं करती, तो ये चीज तो अनएक्सेप्टेबल है ना एक हिसाब से, तो जो उसकी रियल फीलिंग है वो क्या हुई, उसने सुप्रेस कर दी, और अनरियल फीलिंग क्या है कि वो उसे पसंद नहीं करती, ठीक है, सॉरी, हाँ, अनरियल फीलिंग क्या है, उसको पसंद नहीं करती वो, रियल फीलिंग, सॉरी, रियल फीलिंग है कि वो उसे पसंद नहीं करती, वो उसे दबा देती है, ठीक है, अनरियल फीलिंग को वो एक्सप्रेस कर देती है, मतलब बोलती है कि नहीं ये अच्छी है। जैसे एग्जाम्पल है, अ वुमेन हु एक्चुअली डिसलाइक हर मदर इन लॉ, की एक वुमेन है जो अपनी मदर इन लॉ को पसंद नहीं करती, ऑलवेज बींग नाइस टू हर, फिर भी वो उसके साथ नाइस है, अच्छे से बिहेव करती है, तो ये है रिएक्शन फॉर्मेशन। फिर है सुप्रेशन। सुप्रेशन में है बच्चों कि जो कोई भी डिस्टर्बिंग इवेंट है ना, जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, हमें टेंशन दे रहा है, ठीक है, हम उसे जान, मतलब हम कॉन्शियस हैं उसके लिए, ठीक है, हम कॉन्शियस हैं उसके लिए, हमें दिमाग में है, लेकिन हम जानबूझ के क्या करेंगे, उसको भुला देंगे। जैसे मान लो तुम्हारी कोई फ्रेंड है, तुम्हारा उससे झगड़ा हो गया है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे तुम्हारा पेपर है, अब तुम्हें पता है तुम्हारा उससे झगड़ा हो रखा है, लेकिन तुम कुछ टाइम के लिए क्या करोगे, भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कल तुम्हारा पेपर है, तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, तो वो होता है सुप्रेशन, कि अ कॉन्शियस एफर्ट, कि तुम्हें पता है तुम कॉन्शियस हो उस चीज के लिए, इन विच डिस्टर्बिंग मेमोरीज आर केप्ट आउट फ्रॉम अवेयरनेस, लेकिन जो डिस्टर्बिंग मेमोरीज जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हैं, तुम उसे बाहर रखोगे अपनी अवेयरनेस से, ठीक
ठीक है, जैसे अ स्टूडेंट हु आर्ग्यू विद हिज फ्रेंड, कि एक स्टूडेंट है उसकी आर्ग्यूमेंट हुई अपनी फ्रेंड के साथ, कैप्ट आउट दिस डिस्टर्बिंग इवेंट, वो अपने इस डिस्टर्बिंग इवेंट को अपने दिमाग से बाहर रखेगा एंड प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट डे एग्जाम, और अपने नेक्स्ट डे एग्जाम के लिए पढ़ाई करेगा, ठीक है। फिर है रिप्रेशन, बच्चों सुप्रेशन और रिप्रेशन बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। रिप्रेशन में क्या होता है, इसमें तो वो कॉन्शियसली भूल रहा था, मतलब उसे पता था वो जानबूझ के ये कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है अनकॉन्शियसली, ठीक है, अनकॉन्शियसली जानबूझ के नहीं कर रहा, अनकॉन्शियसली वो चीज हो रही है, ठीक है। जो डिस्टर्बिंग मेमोरी है ना, डिस्टर्बिंग मेमोरी है, अनकॉन्शियसली वो उस चीज को भूल रहा है, ठीक है। मान लो हम गलती से किसी अपने फ्रेंड का बर्थडे भूल जाते हैं, या मतलब हमारा किसी अपने किसी लव्ड वन से झगड़ा हुआ था, हम उसका बर्थडे भूल गए, हम जानबूझ के नहीं भूले, अनकॉन्शियसली वो चीज हो गई है, ठीक है। तो जो सुप्रेशन और रिप्रेशन है वो एकदम अपोजिट हैं।